पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा तीनों कृषि कानून वापस लेने पर प्रतिक्रिया कर्मचारी कांग्रेस कृषि उपज मंडी महासंघ भोपाल के प्रदेश अध्यक्ष संतोष सिंह दीक्षित का बयान। कृषि कानून वापस लेने पर पीएम नरेंद्र मोदी का माना आभार। किसान आंदोलन में 700 किसान शहीद हुए, ये जीत शहीद किसानों को है समर्पित। श्रीमान जी बताइए, तीनों कानून जो केंद्र सरकार द्वारा जो निरस्त किए गए हैं उसके बारे में आपकी क्या प्रक्रिया है? मैं ठाकुर संतोष सिंह दीक्षित, प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस कृषि उपज मंडी महासंघ भोपाल और संयुक्त मोर्चे का मैं सदस्य हूँ। और आज हमारे आदरणीय माननीय श्री प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी द्वारा तीनों कृषि कानून जो रद्द किए गए हैं, मैं कर्मचारी जगत की ओर से उनका बहुत बहुत शुक्रिया गुजार करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। उन्होंने जो वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए किसानों के हित में, कर्मचारी हित में, हमाल तुलाटी व्यापारी के हित में जो तीनों कृषि कानून रद्द किए हैं, वो उनके भविष्य के लिए बहुत शानदार फैसला रहा है। क्योंकि जो तीनों कृषि कानून थे, ये कहीं ना कहीं किसानों के लिए और कर्मचारियों के लिए नुकसानदायक था, बहुत ही नुकसान का सौदा था ये। इस कानून के कारण हमारी प्रदेश की लगभग 650 मंडियों में से आधे ज़्यादा मंडियाँ बंद हो गई थी, तनख्वाह की लाले पड़ गए थे। आज गुजरात में खुद 214 मंडियों में से 114 मंडियाँ बंद होने की स्थिति में हैं और कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश की भी यही स्थिति है। माननीय कृषि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज जो कानून रद्द किया है, कर्मचारी जगत के किसान बंधुओं की ओर से मैं उनका बहुत बहुत हार्दिक आभार अभिनंदन करता हूँ, व्यक्त करता हूँ। और ये कानून बहुत पहले रद्द हो जाता तो निश्चित ही 700 किसानों की जो मृत्यु हुई है इस आंदोलन के दौरान, वो मृत्यु नहीं होती। यह जीत उन 700 किसानों की शहादत पर जीत मिली है। और सबसे पहले मध्य प्रदेश में हम कृषि उपज मंडी कर्मचारी महासंघ द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था तीनों कानून के विरुद्ध, और हम लोगों ने साल भर आंदोलन किया, पुलिस की लाठीचार्ज में घायल हुए, हमारे पर धारा 188 केस बने, हाथ पैर में फ्रैक्चर हुए, सर फूटा, लेकिन अंततः जीत मिली। और ये जीत किसानों की जीत है, कर्मचारियों की जीत है, व्यापारियों की जीत है, जीत है। और मैं